वीर सिंह देव के सात भाइयों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। ये हमेशा वीर सिंह देव के साथ रहे और उनकी गैर हाजिरी में राज्य का कार्यभार भी संभालते थे। अपने पिता और भाई की ही तरह इंद्रजीत सिंह भी कला प्रेमी थे, लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र था गीत संगीत। यूं तो इंद्रजीत सिंह के दरबार में 6 नर्तकियां थी, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर और गीत संगीत में पारंगत थी राय परवीन। इंद्रजीत सिंह जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, गाय परवीन सचमुच बेजोड़ गायिका और नर्तकी है। जल्द ही ओरछा किले के बगल में गाय परवीन का महल होगा। नहीं, तुम नहीं जानती राय परवीन, तुम्हारी प्रसिद्धि कहां कहां तक पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आगरा तक तुम्हारी धूम होगी। ये तो आपकी इनायत है बुजुर्ग। इंद्रजीत सिंह ने सही कहा था, जल्द ही राय परवीन की सुंदरता और प्रतिभा की खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि राय परवीन अब ओरछा की नहीं बल्कि आगरा दरबार की शोभा बढ़ गई। पूरे ओरछा राज में कोहराम मच गया। राय परवीन ने साफ इनकार कर दिया कि वो आगरा नहीं जाएंगे। सब नगरवासी भी यही चाहते थे, इंद्रजीत सिंह भी, पर हिंदुस्तान के बादशाह से दुश्मनी मोल लेना काफी महंगा पड़ सकता है। यदि सोचकर इंद्रजीत ने अपना मन मारा और बहुत समझा बुझाकर राय परवीन को आगरा भिजवाया। वहां पहुंचकर राय परवीन ने अकबर के दरबार में खुद का लिखा एक दोहा पढ़ा। शहंशाह हिंदुस्तान, तुम्हारी खूबसूरती से तो मुतासिर हुए। तुम्हारी दलेरी ने हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ा दी है। झूठी पत्तल सिर्फ कुत्ते ही चाटते हैं। वाकई तुमने हमारी आंखें खोल दी। वजीर आजम, कल ही राय परवीन को इनाम और इकराम के साथ बाइज्जत वापस ओरछा पहुंचाने का इंतजाम करवाया जाए। तख्लिया